स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन स्पाइसेस में। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट केक। तो हमारा ये केक एगलेस बनने वाला है और बिल्कुल बाजार की तरह ही बटरी और स्पंजी बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर आधा कप ऑरेंज जूस, या फिर आप किसी भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं, पर इस केक में ऑरेंज जूस का फ्लेवर ज़्यादा ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप टूटी फ्रूटी, 1 मुट्ठी जितना ही काजू और 1 मुट्ठी जितना ही आलमंड्स। काजू और बादाम को हम चॉप कर लेंगे और इसे हम डालेंगे ऑरेंज जूस में। साथ ही जाएगा इसमें एक दालचीनी की स्टिक, 5 से 6 लौंग, आधा छोटा चम्मच अदरक पाउडर। अगर अदरक पाउडर ना हो तो आप अदरक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इसे हम भिगो कर रखेंगे पूरी रात या फिर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में। 5 घंटे के बाद इसके सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हमने जो स्पाइसेस डाले थे वो हम निकाल लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स हमें अलग रखना है और इसके जूस को हमें अलग करके रखना है। अब हम ड्राई फ्रूट्स में डालेंगे 2 छोटे चम्मच मैदा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए, और जब इसे हम फिर केक में डालेंगे तो ये जाके तले में नहीं बैठेगा और ये जलेगा नहीं। इसे हम अब अलग रखेंगे और शुरू करेंगे अब हम अपना केक बैटर बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 कप मक्खन। तो मक्खन हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसे मिक्स करने के लिए आप या तो हैंड बीटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक सा ही काम करते हैं, बस हैंड बीटर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। क्योंकि मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, इसे तब तक बीट करना है जब तक कि इसका कलर लाइट येलो ना हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा इसका कलर। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर और 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अब इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें 3/4 कप दही। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 कप ऑरेंज जूस, जो हमने ड्राई फ्रूट से छान कर अलग किया था। 1 बड़ा चम्मच जूस हम बाद के लिए बचा कर रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑरेंज जेस्ट और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे केक को स्पंजी बनाएगा। अब जाएगा इसमें 1.5 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसे अब हम छान लेंगे ताकि हमारे केक में कोई लम्स ना पड़े। बस इसे कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच मिक्स फ्रूट एसेंस या फिर वेनिला एसेंस और हमारा कोट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारा केक हार्ड बन जाएगा। बैटर हमारा तैयार है, इसे हम डालेंगे अब केक मोल्ड में। यहाँ पे मैंने इसे ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर डालेंगे पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर फ्लावर भी डस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह थिक होनी चाहिए। इसे हम इवनली फैला लेंगे। इसे हम टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हों वो निकल जाएँ। इसे हम गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट से। साथ ही हमें बेक करना है 160 डिग्री सेल्सियस पे 55 to 60 मिनट्स। अब जो हमने ऑरेंज जूस बचा के रखा था वो अब हम इस पर ब्रश करेंगे। केक अनमोल्ड करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसका फ्लेवर बहुत ही सिट्रसी बटरी होता है और हमने साथ ही जो स्पाइसेस यूज़ किए हैं वो हमारे केक को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देता है। ये देखिए, हमारा केक बहुत ही शानदार बना है।
आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।